नगर निगम के 212 आउटसोर्सिंग के चालकों का वेतन पिछले 7 महीनों से रुका हुआ था, जिसकी वजह से चालक धरने पर बैठ गए थे। नगर आयुक्त के हस्तक्षेप से सभी चालकों के रुके हुए वेतन का भुगतान हुआ तो चालकों के चेहरे खिल उठे। रविवार को नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के संरक्षक कौशल कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में बेतियाता स्थित मुंशी प्रेमचंद पार्क में एक बैठक आयोजित हुई। बकाया भुगतान होने पर चालकों ने नगर आयुक्त को हृदय से धन्यवाद दिया। बैठक में चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र पांडे, नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के महामंत्री शक्ति प्रकाश मिश्रा, दिनेश यादव, श्रवण दुबे, प्रभुनाथ ऋषु सिंह सहित नगर निगम के स्थायी और आउटसोर्सिंग के चालक शामिल हुए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए नगर निगम कर्मचारी समन्वय समिति के संरक्षक कौशल कुमार शुक्ला ने कहा, विश्वास सूत्रों से कि ड्राइवरों के पीएफ जो कटौती हो रही है उसमें बड़े पैमाने पर बाधली की गई है कि जो भी कटौती हुई है होली के बाद हम लोग उस कटौती में जो धांधली की गई है हम लोग उसका भी हिसाब किताब एक नए पैसे कर लेंगे। लोग भी संलिप्त होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए भी हम लोग मांग करेंगे। इसी बिंदु को लेकर बैठक बुलाई गई थी कि हम जो है कुछ लोग चक्रव्यूह बना करके रणनीति के तहत 8 लाख रुपए कर्मचारियों से वसूली करने का प्रयास कर रहे थे। तो हम इस बैठक के माध्यम से उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि नगर आयुक्त महोदय, हमारे लेखाधिकारी महोदय, कर्मचारियों के हित में और खुशी का समाचार शाम को मिला कि हमारे कर्मचारियों के खाते में 6800 रुपए जो हमको हमारा हक होता है वो अब बिना किसी कटौती के वो हमारे खाते में भेजा जाए, विभाग से उनको फायदा मिलता है। लेकिन जो भी बातें पूछ रही, नगर निगम में कार्यरत समस्त आउटसोर्सिंग ड्राइवरों की आज एक बैठक हुई है, क्योंकि कल का जो माहौल था आप लोग उससे परिचित ही है। उसी माहौल से कहीं से यह ऑफिस से सूचना मिली थी कि कर्मचारियों के जो 8 साल से 9 साल से 10 साल से जो पीएफ कटौती उनकी लगातार की जा रही है उस पीएफ कटौती में बहुत व्यापक रूप में धांधली की गई है। इसे कर्मचारियों में आक्रोश था और आज यह बैठक, कल की जो हमारी सफलता कर्मचारियों को मिली है, हम इस बैठक के माध्यम से अपने नगर निगम के नगर आयुक्त महोदय को, लेखाधिकारी महोदय को, हम कर्मचारियों के तरफ से हृदय से धन्यवाद देने के लिए आज ये बैठक थी। और होली हमारा पर्व है, महत्वपूर्ण पर्व है, उस पर्व को देखते हुए 24 तारीख को यह निर्णय लिया गया है कि महवा स्टोर, जो हमारे सभी कर्मचारियों की कार्यस्थली है, महवा स्टोर में शाम को 4 बजे होली उत्सव मनाया जाएगा और वहाँ पर कर्मचारियों के भोजन की व्यवस्था भी रहेगी। इसी संबंध में आज की बैठक संपन्न हुई है। चालकों की जो तनख्वाह थी, वो तनख्वाह का निर्णय शाम को हुआ, कितनी मिल रही है? 6800 रुपया कर्मचारियों के खाते में पीएफ और बीमा कटौती होने के बाद 6800 रुपया हमारा बनता है और वह पैसा कर्मचारियों खाते में भेजा जाएगा और पूरा पैसा 100% कर्मचारी उस पैसे को प्राप्त करेंगे अपने खाते से। कल का धरना हमारा समाप्त हो गया है और ये हमारी जो मांग थी, हमारी मांग पूरी हो गई है।